शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का शनिवार को आगाज हो गया है। प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी की आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने किया। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और इसमें प्रदेश भर से 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें विजेता रहने वाली प्रतिभागी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाएंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए नरेश चौहान ने जूडो एसोसिएशन का आभार जताया। स्टेट का इनका जो टूर्नामेंट था जूडो एसोसिएशन का, और शिमला डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया शिमला में। पूरे प्रदेश में इसने बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन है आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने देखा इनके बीच आके कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, और आज के समय में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आप समझे कि फिजिकल फिटनेस है या मेंटल फिटनेस है, या आपने जैसा जिक्र किया कि नई पीढ़ी को नशों से दूर रखना है, जैसा समाज में नशे का चल रहा है, युवा साथियों को उससे बचाने के लिए स्पोर्ट्समैन एक मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होता है। तो ये मैं समझता हूँ इनका बहुत अच्छा एक प्रयास है जो इसके एसोसिएशन के लिए सभी आयोजक थे, इन्होंने बड़े अच्छे से इसको किया। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। हमने ये भी कहा कि आगे इसको बढ़ाना चाहिए, इनकी यहाँ से जो लोग आगे बढ़ेंगे वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, अंडर जूनियर्स के भी हैं, सीनियर्स के भी हैं, लड़कियों के भी हैं, लड़कों के भी हैं। तो स्पोर्ट्स आज के समय में बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा ये देखे कि वहाँ लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। स्वाभाविक तौर पे हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे आप समझें ओलंपिक्स में जो भी लोग मेडल जीतेंगे उनका जो प्राइज मनी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, या दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स में एशियाड में है, तो ये प्रोत्साहित करते हैं। और पहले से ही स्पोर्ट्समैन के लिए जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियों में भी प्रोविजन है, हर जगह प्रोत्साहित करेंगे, आगे भी और बढ़ाएंगे। और सरकार की प्राथमिकता है कि हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी जो हमारे देश की है, समाज की है, उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर, उनका मेंटल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये प्राथमिकता सरकार। ये जो हमारा आज टूर्नामेंट हो रहा है ये है जूनियर और सीनियर बॉयज़ गर्ल्स, तो इसमें 150 खिलाड़ी जो है पूरे हिमाचल से भाग ले रहे हैं, और इसके हमारे अभी मुख्य अतिथि है नरेश चौहान जी जो मीडिया प्रभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के। और इसमें हमारे जो बच्चे अभी खेल के जो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, वो जहाँ भी हमारी नेशनल होगी जूनियर की और सीनियर की, वहाँ के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं तो एक टीम जूनियर की जाएगी, एक सीनियर की जाएगी, दोनों टीमें जो है ये नेशनल के लिए जाएगी। अभी नेशनल की डेट नहीं आई है, उससे पहले इनका एक प्रशिक्षण शिविर जो है 10-10 दिन का लगाया जाएगा। और हमारा जो जूडो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सुविधाएं हैं वो एसोसिएशन जो है अपनी तरफ से कोचिज को और कुछ मैट्स भी जो हमने अपने स्तर पर जो है जिलों में दिए हुए हैं। और इससे पहले हमारी जो स्ट्रेंथ थी 300 सब जूनियर में थी और कोई 250 कैडेट में थी, तो हमारा कम से कम 700 बच्चा जो है राज्य जूडो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है। कितने दिन चलने वाली है ये प्रतियोगिता? आज हमारी इसकी ओपनिंग है, पिछले कल अराइवल था, तो कल इसकी जो है क्लोजिंग होगी, मतलब 15 तारीख को। तो इसमें क्लोजिंग हमारी 1-2 बजे, जितने जो भी जिस हिसाब से हमारा होगा, तो कल हमारी क्लोजिंग 2 बजे के आसपास होगी। आपको बता दें कि शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का शनिवार को आगाज हो गया है। प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी की आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने किया। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और इसमें प्रदेश भर से 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।